शांति। आज की तारीख है 19/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे राजयोग सिखलाने वाले बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं, तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर है, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की याद में शरीर छूटे, गुटका न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटका प्रूफ बनना है। अक्सर देह जब छोड़ती है आत्मा तो गुटका आता है उसको, तो बाबा कहते नहीं, तुम राजयोगी हो, तुम राजयोगी गुटका भी नहीं खाएंगे। बड़ी शांति से इस देह से विदाई लेंगे, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे कि हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। नंबर दो, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। फिर वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं कि जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार वो स्मृति मिलाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है, और इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।